अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ सब तक खैरियत से होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और अभी हम इधर आके जा रहे हैं, कहीं जगह तो दुआ करनी थी, दुआ के लिए। और आरिश मेरे साथ है और आरिश के दादा के साथ जा रहे हैं, अच्छा दुआ के लिए किसी घर जा रहे हैं, मैंने बताया ही नहीं है। तो हाथ में से शापर था लीजिए, गिर गया है, गिरा है शापर। अच्छा जी, वो जा रहे हैं नसीर के घर, नसीर के जो भाई बहुत हुए थे ना, उनकी दुआ करने के लिए जा रहे हैं। ईद आ रही है अभी, आज आखिरी तीसरा रोज़ है। लाडियाँ हो रही हैं, लाडियाँ लाडियाँ। ये लिप्स, ये भी चीक है, नोज, लिप्स, टीथ, टीथ नहीं है इसके, इसके टीथ नहीं अभी आई, हाँ ये थोड़ी बल्ली होगी, इसके टीथ आएंगे। चेक कर रहा है इसको, चेक करके अच्छे तरीके से चेक कर रहा है। क्या ये बटन है यहाँ? फिंगर की तरह फिंगर अभी कर रहा है, अभी कर रहा है अभी। आए हाय आए हाय हाय, लाडियाँ हो रही हैं लाडियाँ। कर रहे हो? इधर आए थे दुआ के लिए, तो बच्चे इधर बैठे हुए सारे। वली सुबान और ये भी है मूसा, माइमा। चले जी, बाकी है कि इधर मुर्गियों का चेकअप हो रहा है, इधर मुर्गियों को चेक किया जा रहा है, अंडे देने दोनों दादा पोता जो है ना मुर्गियाँ चेक कर रही है। बनवाया नहीं लगना, पहले सो दूसरा सिगा स्टील ना। नहीं ये और बढ़िया बनाया, बढ़िया बनाया, कितने ना आया है? ठीक है, ये पता नहीं कितने ना आता है। बारिश वगैरह तो जा रहा है, बारिश चल पड़ा। चलो ठीक है फिर, नाजी चला ऑफिस। चलो जी, अभी बातें कर रहे हैं अभी उधर, चलो बैठते फिर चलते हैं। दे छोड़ना फिर, तो पूरा हो जाए। अच्छा जी, हाँ चलो ले लो, ठीक है। अभी हम बैठ चुके हैं, मैं और आरिश, इधर आरिश है और इधर मैं भी बैठी हूँ। हम दोनों इंतज़ार कर रहे हैं अबू को, और आरिश को देखो जी, परस मुंह में डाला हुआ है। चले जी, उसके अबू उधर चले गए, वो कोई लेने के लिए तरपाल उसने दिया था, नसीर एक मुंह जमा था, आरिश का एक और दिया, कर दी कूड़ा आता तो एक और ले लें, वो लेके आ रहे हैं अभी। देख रही चले जी, ये इन्होंने ले लिया। अच्छा अच्छा, ये है शॉपर है, ठीक है जी, शॉपर ले लिया। एक पहले दिया था, चल रहे थे घर में, मैंने कहा मुर्गी का रेट पूछ के आओ, पता करके आओ। उधर से ली है मिर्चें हरी, किस तरह 503 उधर पीछे 500 सी कितने 500 सी याद नहीं ना उधर 500। चले जी, मुर्गी का इनको कहा है कि दे दो, डेढ़ किलो ठीक है, डेढ़ किलो ठीक है, बस ये ठीक है। अंडे भी ले लेते हैं जी, अंडे तो स्लेट में अंडे ले लिए, और
और आरिश दादा को बैठ के इधर आरिश भी चला गया अबू के पास। चले जी पैसे भी इनको दे दिए। जाना इधर खेल रहा है, देखो जी रिक्शे में बैठा हुआ है, रिक्शे के ड्राइव कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है। और चौक में बाजार में सही है, रश पड़ा हुआ है, देखें कैसे। और आरिश हमारा जो है ना रिक्शे में बैठा हुआ है, अबू गए इसको पीछे। चले जी ले आए मुर्गी भी और अंडे भी, आराम से उधर ऊपर ही ठीक हो गई। क्या कर रही हो रिक्शे को क्या कर रही हो? हाँ जी आगे। अच्छा जी आलू भी आगे, टमाटर वारो टमाटर ले ले आगे से। ये कितनी है नीन? ओहो अबू बैठेंगे ना, बैठने लगाओ मैं। क्या क्या है, मैं आ रहा हूँ ना, उधर खड़े होंगे आगे, आगे टमाटर लेंगे ना आगे से, आगे से टमाटर लेंगे ठीक है। देखे साथ ही चला गया आरिश भी अबू के, टमाटर लेने गए हैं। बाकी ये प्याज आलू ले लिया, उधर मुर्गी ले ली है, उधर वो क्या अंडे ले लिए, शिमला साथ मिर्च हरी। चले जी ये आ गए टमाटर भी हैं, बस ठीक है, बस सब सब कुछ हो गया। जिस साहब को देखो जी आगे बैठे हुए हैं, आगे बैठ के आए हैं, अबू गए उधर दही लेने के लिए, मैंने कहा दही ले लो। और इधर जो है ना आरिश बैठा हुआ है, कहता है आगे ही बैठना है अबू के पास। फिर आगे बैठा के मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था इसको, यहाँ भी याद रखा हुआ था कि मैंने कहा ये ना लगे सरिया, ये आगे ही बैठा है, ऐसे लगता है कुछ सुन ही नहीं रहा। वो इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, फिर इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखना ही नहीं है पीछे मेरा बेटू। टू के जी है प्याज उठा के मामा को कह रही है, टू के जी लाए हैं, टू के जी है। चलो जी इधर आ रहे, रूहान भी उठा हुआ है, और इधर जो चीज़ें चीज़ें ले आई हैं ये रखती हैं इसने, अंडे वगैरह टमाटर वगैरह मुर्गी है दही है सारा कुछ ले लिया। ये मैंने मेहंदी निकाली है, लेके आई थी हरियाणा कराची से मेहंदियाँ, तो ये उसी को दे रही हूँ मेहंदियाँ, मेहंदी लगाने जा रही है। और पीछे बची हैं सिर्फ तीन, अब तीन में से आशी की है, नीली की है, रूज की है, बस तीन बच्ची हैं, ये तीन उसको देनी है, मेहंदी लगाने जाएगी। और होती तो देती पर ये कि ख़त्म हो गई हैं। रोहन ये क्या हो रहा है, हैं कैसे रो रही है? फीडर बना रही है ना मामा, फीडर बन रहा है आरिश का, आ जाओ। और आरिश के दादा भी लगे हुए हैं किचन में, बल्ले डल रहे हैं, बल्ले बल्ले बना रहे हैं। आरिश साहब क्या हो रहा है ये? आरिश मैट लेके तो घूम रहा है, ये हाथ में क्या है? शूज़ हैं, बीच में टमाटर डाल रही हो इसमें। ये हमारे अपना घर का टमाटर है जी, किधर गया वो, दिखा ये, इतने बड़े बड़े बनाए, ये देखो जी ये टमाटर जो ऊपर से लेके आए हैं, ये है इतना बड़ा लग रहा है छोटा सा, ये देखे ये थोड़ा भाई के बल्ले तैयार हो गए हैं। आरिश के दादा पूरे तले सारे तल के फारिग कर दिए, तो ये हो गए, बस अभी डोंगा तैयार हो रहा है, मसाला मसाला इसमें तैयार हो रहा है, इसमें डालेंगे। इधर मैं निकल आई हूँ घर से बाहर, जा रहे हैं अभी फराज के घर, चले देखते हैं जाके फराज के घर मिलते हैं। मैं आ गई हूँ इनके साथ लाला, और इधर आ गए हैं हम लोग, इधर तैयारी हो रही है इफ्तारी की जी, और इधर महरोश भी बैठी है, महरोश जी खा रही है, क्या खा रही है लो काट, और इधर तरबूज काटा जा रहा है। अभी फिर मैं चलती हूँ वापस, ना ये जी हम बना रहे हैं जो एक दिन लाए थे जूस, तो ये जूस ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग। इधर मैंने पानी डाला था 7 लीटर इसमें, और इसमें बस थोड़ी सी चीनी डाल के मल्ट कर, 600 ग्राम ये जो है ना बनिएगा, 700 ग्राम चीनी, हाँ 600 ग्राम इसमें चीनी डाली है, और एक पैकेट ये वाला जूस डाला है, 600 ग्राम चीनी डाल के पानी 7 लीटर डाला है, तो ये बना रहे हैं अभी शेक, जा ये जूस बनेगा।
चलो इसको मिक्स करते हैं, फिर जो है ना आपको दिखाते हैं। पानी इसमें डाल के इसके साथ अच्छा चलो इसमें हो जाएगा ना। चलें ये सारा जी ब्लेंड करके मिक्स करके मैंने डाल दिया है बोतलों में, बोतलें भर दी हैं। ये फिर पियेंगे तो रोज़े के बाद तो फिर देखेंगे कैसा है। ये जी ब्लेंड करके तैयार करके भर दिए मैंने बोतलें, बाकी बर्तन शर्तन उठा के सारे इधर रख दिए, मशीन भी और ये भी। चलें जी ये भर के रख दिए, फिर रोज़े के बाद पियेंगे फिर देखेंगे जायका कैसा है। ये बनाया था जूस रखा है ने फ्रिज में, मैं निकाल लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, इन हो के फिर ज़्यादा मसला बने। हेलो हेलो जब देखो ज़्यादा ठंडा ना हो। चलो जी क्या सालन भी डाला जा रहा है, और सालन आज हमने पकाई है मुर्गी जी कुकर में, मुर्गी नज़र ही नहीं आ रही बीच में, मलिया मेट गई है। चल बस हो गए इतनी ठीक है, अच्छा बस डाल। ये जी आगे तारीख तैयार हो गई है पूरी, रोज़ा बस खुलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा खोल के फारिग हो चुके हैं, नमाज वमाज पढ़ ली है, बाकी अगर बर्तन सफल भी उठाएंगे कुछ बर्तन में, अब किचन शिचन में सफाई शफाई हो रही है बर्तन। और इधर आरिश के दादा वो भी लेट गए हैं, और आरिश ही इनके पास कार्टून देख रहा है, और इधर अशरा भी रो रही है, अशरा कहती है मुझे भी कुछ खाने पीने को दो। और इधर रूहान को देखो जी क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो रूहान, क्या कर रहे हो रोहन, अस्सलाम वालेकुम रोहन, अस्सलाम वालेकुम। शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, मुंह साफ कर रहा है, अच्छा मुंह साफ कर रहा है, कपड़ा लेके मुंह साफ कर रहा है। और अशरा रो रही, क्यों रो रही हो, बस भाई बस चले जी अशरा को देखते हैं, रोना ज़्यादा शुरू कर दिया, रूठ हो रही है, बर्तन किचन में चली गई, बर्तन ज़्यादा खाए, इसको देखते हैं। मैं नमाज पढ़ रही है और मामा के साथ, इसका क्या हो रहा है ये देखो। रोहन क्या कर रहे हो जी, पानी वाले आज फिर गैलन खाली है, ये इसमें थोड़ा सा है, और ये लेके आती हूँ भर के, इसको ढक्कन उठा लेती हूँ। इधर आ गए ट्यूबवेल पे, आज रश नहीं है, आज रश ख़त्म हुई हुई है। चले जी भर गया गैलन, थोड़ा सा बस फर्क रह गया है। ये देखे जी कंबलों के साथ दोनों खेल रहे हैं, कंबलों के साथ खेल रहे हैं। दे दो उसका कंबल दे दो, ये वाला दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कंबलों के साथ खेल रहे हैं। और खबरें सुनी जा रही हैं कि खबरों के रमज़ान के बारे में चांद नज़र आया या नहीं आया, अभी तक तो चांस नहीं आ रही नज़र। चले फिर देखते हैं, अभी तो कहते हैं कि अभी तक तो कहते हैं चांद नज़र नहीं आया, अब देखते हैं कितनी देर तक नज़र आता है नहीं आता, क्योंकि अभी 8 होने वाले हैं, 10 मिनट रहते हैं 8 बजने को, देखते हैं 15-20 मिनट और देखें क्या कहते हैं। और आरिश के दादा वो भी रोज़ सो खोल के नमाज पढ़ के इधर लेट गए हैं, ये भी लेट बैठ खेल रहे हैं। अभी तक कोई नहीं नजर आया कहते हैं, हो सकता है शायद सुबह रोजा ही हो जाए, अभी तक कोई पता नहीं। ये तो चाय बन रही है, और इधर बच्चों के फीडर के लिए पानी बॉइल हो रहा है। चलें जी इधर चाय बनती है, चाय डालते हैं कपों में, पीते हैं फिर चाय। और इधर चांद का अभी भी रोला डला हुआ है, अभी तक चांद नज़र, छातें तो काफ़ी हो गई। ये देखो जी आरिश साहब ने क्या किया है, इधर ये पाउडर इसने सारा गिरा के, ये क्या कर रहे हो हैं, ये क्या कर रहे हो, पाउडर गिरा रहे हो, ये किसने गिराया पाउडर, अरे रूहान पाउडर किसने गिराया, किसने गिराया, किसने पाउडर किसने गिराया हैं। ये देखो, ये देखो जी ये इस बंदे ने पाउडर गिराया, इस बंदे ने सारा पाउडर के डब्बा इसको मिल गया, सारा पाउडर ये गिराता रहा, गिरा गिरा के खुशबूएं फैली हुई हैं इतनी ज़्यादा,
हाँ इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो आरिश, मेरी तरफ देख। हमें एक बार फिर से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद मौलाना हबीबुर रहमान है, वो बता रहे हैं, उनसे बात की है। चले जिधर आ गई है चाय मेरी, मैं अपनी चाय अंदर ले आई हूँ। आशिक के अबू की बहरे और आरिश के अबू की वो बाहर ही हैं बैठे हुए हैं, और इधर जो है ना आरिश और रूहान अभी तक उधर ही खेल रहे हैं। बाकी है कि इधर मैं इस व्लॉग का इधर ही एंड करने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि चाँद नज़र आ ही जाएगा। अभी लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अभी उन्होंने फाइनल फैसला नहीं किया, लेकिन कुछ शर्तें मिल चुकी हैं चाँद नज़र आने की। तो चलें अभी करते हैं ये कि ब्लॉग का इधर करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह आपसे इसी ब्लॉग में। और दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, कल ईद वाले दिन इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ आरिश, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ रूहान, अल्लाह हाफिज़ रूहान, रूहान 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 आरिश आप करो, फिर रूहान भी करेगा। आरिश इधर मुड़ो, इधर इधर, अल्लाह हाफिज़ आरिश, आरिश इधर रूहान, अल्लाह हाफिज़ आप करो। आरिश हाफिज, आरिश अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये आगे चाय किसी और की, पता नहीं अरूज की है साथ और मेरी है।